अरे मुझे पता है हमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, पर हम क्या करें, हमारे पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं, हम कहाँ से लाएं खाना। अरे हेल्प कुछ तो करो खाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ से लाऊं खाना। अच्छा है वो तो हमारे बच्चे नहीं है, अगर वो बच्चे होते तो हम उनको क्या खिलाते, कैसे उनको चिंता रखते। अरे वो दिन आ गया है, रेडियो शुरू हो चुका है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ शुरू है, जल्दी आके जिसको जो देखना है जल्दी सुन लीजिए। आइए आइए गांव वालों, आ जाओ सारे के सारे। चलो चलो सुनते हैं हमारे गरीबों के लिए क्या बोल रही है हमारी गवर्नमेंट। आज की ताजा खबर, ग्रीन हल्क सबको देने वाले हैं फ्री में खाना। जो भी गरीब है अगर आपको चाहिए खाना तो आइए यहाँ पे, हम लगा रहे हैं फ्री में खाना ग्रीन हल्क की तरफ से। अरे भाइयों हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें वहाँ पे खाना मिल सकता है, ग्रीन हल्क ने वहाँ पे खाना रखा है। अरे वो तो तुम्हारा भाई है, वो तुम कितना ज्यादा अमीर है और तुम कितने गरीब क्यों हो। अरे वो सब मुझे नहीं पता, चलो अपन चलते हैं सबके सब खाना खाने। अरे चलो चलो चलते हैं, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा वरना वो खाना खत्म हो सकता है। हमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, हमें कैसे करके उधर पहुँच के खाना खाने होगा। अरे चलो चलो भागो भागो। A few moments later. अरे यार इतने दिनों बाद खाना खा के तो बस आ गया। अरे हम कब तक ऐसे खाना मांगते रहेंगे, तुम कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते। अरे मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ ना, पर मुझे मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा, तुम्हारा भाई तो देखो कितना ज्यादा अमीर होता ही जा रहा है और हम गरीब होते ही जा रहे। अरे अभी तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ आज वापस से काम खोजने। अरे तुम तो 10 दिन से काम खोज रहे हो, तुम्हें कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, आज मैं काम ढूंढ के रहूंगा, तुम इधर ही खड़े रहना। अरे वैसे भी इधर ही खड़े रहना पड़ेगा, कौन सा हमारे पास घर है कोई रहने के लिए। अरे एक बार मुझे काम मिल जाए तो हम अभी घर भी ले लेंगे, तो चलो मैं जा रहा हूँ ठीक है काम खोजने। अरे मैंने इसको बोल तो दिया कि मैं काम खोजने जा रहा हूँ, पर मेरे पास तो कोई काम ही है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। मैं 10 दिन से इधर उधर ठोकरे कर रहा हूँ पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। तो गाइस यार ये है ग्रे हल्क की फैमिली जो कि यार बहुत ज्यादा गरीब है, इनके भाई है ग्रीन हल्क जो कि यार बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से है। तो यार ये आज भी निकला है काम ढूंढने के लिए, जैसे 10 दिन से काम ढूंढ रहा है, देखते हैं जिसको काम मिलता है कि नहीं। तो यार इसकी यार बहुत ज्यादा हालत खराब है, अगर आप चाहते हो कि इसको काम मिल जाए तो यार फटाफट जाके यार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जाके कर दो ग्रे हल्क ओपी, तो फटाफट जाके कर दो। अरे भैया आपके पास मेरे लिए कोई काम है क्या, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा कोई काम नहीं है हमारे पास तो। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम बोलोगे मैं कर दूंगा। अरे बेटा कचरा उठाने का काम है करोगे, 5 रुपए देंगे। अरे 5 रुपए में तो एक बिस्किट भी नहीं था, सॉरी मुझे काम नहीं करना। अरे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अरे एक आइडिया, मुझे पता है कि अभी लॉस सेंटोस में नया नया मॉल खुला है, उस मॉल में यार कुछ ना कुछ काम तो हो ही गई, मैं उधर जाके यार काम मांगता हूँ, मुझे कन्फर्म वहाँ पे काम तो मिल ही जाएगा। तो उसके बाद अपना ग्रे हल्क गया उस मॉल में काम मांगने, पर उसको नहीं पता था कि यहाँ से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली, तो देखते यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अरे यार कुछ काम मिल गया तो यार मैं अपनी बीवी को यार खाना खिला पाऊंगा, वो इतने टाइम से मुझे बोलने जा रही है, आज तो उसने खाना खा लिया, हम कल भी खाना खा पाएंगे। अरे भाई साहब हमारे लिए कोई काम है क्या, मुझे यहाँ पे कोई काम करना है। अरे अंदर जाके बात करो। अरे ठीक है मैं अंदर चले जाता हूँ, बस एक काम मिल जाए तो मजा आ जाएगा बिल्कुल ही, मैं यार खाना खिला पाऊंगा यार अपनी बीवी को 2 टाइम का, और यहाँ पे मेरे को काम चाहिए। अरे छोटे तू। अरे भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मुझे कितने दिनों बाद मिले, आप कहाँ गए थे। अरे मैं तो यहाँ पे काम मांगने, तू क्यों काम मांगने आया यहाँ पे। अरे भैया मैं काम तो ना मांगने आया हूँ, ये मेरा ही तो मॉल है, मैंने अभी ये नया मॉल लिया है, और आप यहाँ पे क्यों काम मांगने आये हो, आप अभी तक बहुत ज्यादा गरीब हो। भैया एक काम करो आप मेरे घर पे चलो। अरे नहीं नहीं छोटे मुझे कोई काम वाम की जरूरत नहीं, और मैं कोई गरीब तो ना, मैं तो ऐसे टाइम पास करने आया था। अरे भैया मुझे आपकी शक्ल ही बता रही है, आपकी पैंट भी फटी हुई है। अरे मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गया, मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं, मैं अपनी बीवी को खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अरे तो आप मेरे साथ चल लो ना। अरे नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे शर्म आती है। अरे भैया एक काम करो, आपको शर्म आती है मेरे साथ रहने के लिए तो एक काम करो। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अरे नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, आप यहाँ पे काम कर लो, मैं जितना नॉर्मल बंदों को सैलरी देता हूँ मैं उतनी आपको भी दूंगा, और जैसे जैसे आप अच्छा अच्छा काम करोगे मैं आपकी सैलरी बढ़ाता जाऊंगा। मैनेजर फटाफट से इनको सब समझा दो। अरे सर जैसा कि आपको पता है कि अभी मॉल नया नया खुला है, तो अभी हम यहाँ पे पब्लिसिटी करनी है, हमको यार लोग लाने यहाँ पे, तो आप एक काम करो बाहर जाके हमारे यहाँ पे लोग भेजो ठीक है। अगर तुमको शॉपिंग करनी है फॉर योर मामा तो यहाँ पे आके ले लो पजामा, आइए आइए सेल में, आइए आइए मॉल में, आइए आइए सेल में। तो यार ये जो ग्रे हल्क का आइडिया था वो बहुत ही देर बाद काम करा, पर जो जैसा ही वो काम करा भाई पूरे पूरे मॉल में यार लाइनें लग गई यार, बिल्कुल सबके सब लोग वहाँ पे आना चाहते थे, वहाँ पे शॉपिंग करना चाहते थे, आप देखो तो भाई कितनी ज्यादा वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी। ए जैकेट 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 टी शर्ट आइए आइए हमारे मॉल में। अरे तुम तो बहुत ही बढ़िया काम कर लो, अब एक काम कर लो मैं तुमको करता हूँ प्रमोट, अब जाके दूसरा वाला काम कर लो, चलो चलो। अरे यहाँ पे मुझे जमीन खोदनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमको अपने मॉल में बनाना है गेम जोन, तो फटाफट से मैं सबका सब खोद दूंगा। तो उसके बाद
हल्क यार बहुत ही मेहनत से वहाँ पे काम करने लग गया और वहाँ पे वो धीरे धीरे प्रमोट होता गया। उसने लिफ्ट भी ठीक करी, उसने यार कचरा भी उठाया और उसने ड्रिलिंग भी करी, उसने बहुत सारे वहाँ पे काम किए और आखिरकार ग्रीन हल्क ने यार इम्प्रेस हो गया और उसको एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया। अरे भैया आप तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, आपने हमारे शॉपिंग मॉल के हर जगह चर्चे करवा दिए। आपको मैं एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ एक घर। मुझे पता है आपके पास अभी घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए मैं आपको एक घर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे रहना हमेशा के लिए अब। अरे क्या मुझे घर दे रहा तू? अरे हाँ भैया चलो गाड़ी में चलते हैं, आपको मैं अपना नया नया घर दिखा देता हूँ। अरे क्या मैं आज तक कभी गाड़ी में नहीं बैठा। अरे भैया एसी में बैठेंगे मजा आएगा। अरे वाह वाह एसी वाली गाड़ी, मैं आज तक नहीं बैठा एसी वाली गाड़ी में। तो यार उसके बाद यार ग्रीन हल्क ने यार उसके काम के बदले उसको दे दिया एक बहुत ही बढ़िया वाला घर, जहाँ पे उसके वो और उसकी पति पत्नी वहाँ पे रहने लग गए और उसको यार अपनी एक एसी वाली गाड़ी भी मिल गई थी जो आज तक बैठा भी नहीं था। अब वो उसकी पर्सनल गाड़ी थी, फिर भी यार वो रुका नहीं, उसने यार बहुत ज्यादा काम किया, उसके मॉल में बहुत सारा काम किया, उसकी यार धीरे धीरे तरक्की होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब लगता है उसकी यार लाइफ होने वाली है चेंज। One eternity later. तो यार हमारे ग्रेक ने इतना सारा काम करके बहुत सारे घर लिए, पहला घर लिया फिर दूसरा घर लिया, फिर आखिरकार उसने लिया एक बहुत ही बढ़िया वाला ग्रैंड होटल जो कि उसके भाई के होटल से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। अरे भैया थैंक यू, आपने मेरी मदद करी 5 साल पहले, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो आज भी मैं गरीबों की तरह यहाँ पे खाना मांग रहा होता कहीं ना कहीं तो। अरे कोई बात नहीं भाई, भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अरे भैया मुझे थोड़ा सा मीटिंग में जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप जब तक हमारे होटल का मुहूर्त करके रखना, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। तो यार अभी यार मुझे जाना है क्लाइंट की मीटिंग में यार, वो 100 करोड़ की वो डील करने वाला है, तो यार बिना किसी तरीके चलते हैं उसके पास। तो गाइस यार अभी यार हमारा ग्रीन हल्क तो जा रहा था एक मीटिंग में, पर उसको नहीं पता था पीछे उसके क्या होने वाला है। अरे अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? कहाँ है मेरा भाई, इतना परेशान किया है उसने, ज्यादा अमीर हो गया क्या? अबे कैसा छोटे, अरे अरे भागो भागो सबके साथ भागो। अरे अरे कहाँ बाकी का स्वागत तो करो, अरे भाभी जी कहाँ चली गई, अरे मेरा स्वागत तो करो, अरे कहाँ भाग के जा रहे हो? अरे अरे देखो तो सर तुम्हारे पति को मैं लेके जा रहा हूँ, अरे अरे चल छोटे देखो मैं घुमा के आता हूँ। अरे तुम फिर से मुझे परेशान करने आ गए। अरे अरे परेशान करने तो मेरा काम है यार। अरे बाबू मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई को कोई लेके भाग गया है, पता नहीं कोई ब्लू कलर का हल्क था, वो उठा के उनको लेके गया और वो बोल रहा है उनको मार देगा। अरे क्या उसको मार देगा? अरे बाबू तुम दूर रहना उसे। अरे मैं उसे दूर नहीं रख सकता, मुझे अपने भैया को बचाना होगा, अब वक्त आ चुका है भैया को उनका वापस कर्ज करने का, उन्होंने मेरी मदद करी थी, आज मैं उनकी मदद करूंगा, आ रहा हूँ मैं भैया। अबे एक गाड़ी वाले साइड हो मुझे जान दे, भैया मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। अरे मैं आ गया भैया, अब टेंशन मत लो, मुझे भैया मिल चुके। अबे ए ब्लू गेंडे तूने मेरे भैया को हाथ लगाने जरूरत कैसे करी, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे देखो तो सॉरी, स्वागत तो करो आपका। अरे भैया आपको पता नहीं सबसे खतरनाक है, आप इधर क्यों आए, ये आपको मार देगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे छोटे भाई को मारेगा मैं तुझे बिल्कुल छोड़ूंगा, छोटे भाई तू साइड हो जा। अरे अरे लड़ना है क्या, अरे कोई लड़ना है आज तक मैं खत्म कर दूंगा, आजा आज मैं तुझे बताता हूँ मुझे परेशान और मेरी फैमिली को परेशान करने का क्या अंजाम होता है, ये ले तू भी हमारी कभी परिवार था पर तूने बुराई का रास्ता सुना, तूने इतनी सारी चोरियां करी, तूने इतने सारे डकैती करी, इतने लोगों को मारा, आज मैं तुझे मारूंगा, तेको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, आजा ये ले अभी तेको बताता हूँ यहाँ से निकल ले यहाँ से, आज तू नहीं बचने वाला मेरे से बिल्कुल भी। अरे अरे तुमने क्या उखाड़ लिया मेहनत करके? मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, अरे तू मुझे कैसे मार सकता है, मैं तेको मारूंगा। अरे अरे आप तो मुझसे पिट रहे हो, अरे तेरे को बिल्कुल भी छोड़ूंगा, ये ले ये ले। तो गाइस यार जैसा कि आप सब देख सकते हो कि भाई अभी ग्रे हल्क और ब्लू हल्क के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि यार ब्लू हल्क यार ग्रीन हल्क को यार यहाँ पे उठा के लेके आ गया था और ग्रे हल्क को आ चुका है बहुत ज्यादा गुस्सा, तो यार ग्रीन हल्क ने यार उसकी मदद करी, तो आज यार ग्रे हल्क करने वाला है ग्रीन हल्क की अपने भाई की मदद। अरे विद्धि तो पिट भी है मुझसे, कहाँ गया विद्धि, अरे तू इधर है, अरे तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये पिद्दू अटैक से मुझे कुछ नहीं होता, ये ले आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अबे उड़ के मारता है, ये ले आज मैं तुझे खत्म कर ही दूंगा, अभी तेरे को बताता हूँ। अरे तू अभी तक नहीं मरा, और ये ले मेरा लास्ट चाटा, अभी तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये ले आज तू पानी के अंदर ही मरेगा। मार दिया मैंने उसको, अब वो कभी मेरे फैमिली को परेशान नहीं करेगा और ना ही मेरे भैया की फैमिली को। अरे एक सेकंड, इससे तो भैया को भी एक मुक्का मारा था, मुझे फटाफट से भैया को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, भैया आ रहा हूँ मैं। अरे भैया टेंशन मत लो, जो मैं आपको भी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। अरे आपने मेरी मदद करी थी और आज मैं आपकी मदद करूँ।
करूंगा, अभी आपको लेके चलता हूँ फटाफट से यार हॉस्पिटल। तो अभी मैंने अपने भैया को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, वो थोड़ी देर में भी ठीक हो ही जाएंगे। मैंने अपने घर पे भी फोन करके बता दिया है कि हमारे भैया ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अभी यार सबका सब ठीक हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट जाके कमेंट में बता दो। और गाइस यार ये दोनों यार बिल्कुल इनकी फैमिली बिल्कुल साथ में रहने वाली है। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, वहां पे बैठकर मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।